कैसे हो भाई लोग? अगेन हर्ष फरिया बैक फ्रॉम कंप्यूटेक। ये टाइम कुछ अलग NZXT के साथ हम करेंगे ये वीडियो में थोड़ा NZXT की तारीफें भी और बुराई भी। बहुत टाइम बाद इंडिया में NZXT ने कोई फ्लो कैबिनेट निकाला। सीरियसली बहुत टाइम बाद नारियल फोड़ना पड़ेगा उनको। मेश काइंड ऑफ कैबिनेट्स आ गए हैं, जैसा आप देख सकते हैं लेफ्ट में, दिस इज H510 मेश, फ्लो बोलते हैं। मेश कैबिनेट है आगे NZXT के, इसमें विथ फैंस, दो फैन देते हैं वो, और प्रिटी पहले H510 जो प्लेन आते थे उसके जैसा ही है, सिर्फ एक फ्रंट पे मेश दिया गया है। वो हम आज बताएंगे कि अंदर अंदर क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन नहीं है। बहुत सारे प्रोज भी है और बहुत सारे कॉन्स भी है, बायस रहेंगे जो भी रहेंगे अब देखो। और दूसरी चीज जो है वो है वाइट कलर के AIO। यस, व्हाइट कलर के NZXT ने व्हाइट कलर के AIOs भी निकाले हैं, 240mm, 280mm, 360mm, और एक न्यू एडिशन हुआ है 120mm का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले H510 फ्लो को हम डिस्क्राइब करेंगे इन डिटेल में, और दूसरा फिर अपन X63 RGB को करेंगे, व्हाइट एज इन कंप्लीट व्हाइट AIO। सो फाइनली मैश मैं बताते जाऊंगा क्या पॉइंट प्रोज है, क्या एकदम बुराइयां है, बुराइयां नहीं एज एन एक माइनर फैक्टर रहता है जो मिस आउट हो गई है। सबसे पहली चीज तो ये है कि दो पंखे होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, उन्होंने कुछ सोचा भी रहेगा, बट इनफैक्ट दो पंखे तो होने ही चाहिए 120mm के। फिर भी द गुड पॉइंट इज हियर दिस मेश, इट इज इजीली डिटैचेबल है, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को भी, मतलब इट्स अ गुड क्वालिटी। And this is also dust filter. Dust filter काफी thick है, easily cleanable है, washable है इसमें। दूसरे है यहाँ के USB ports. जी हाँ, यहाँ पे एक minus point है कि यहाँ पे दो USB port 3.0 होने चाहिए थे, यहाँ पे एक type C दिया है उन्होंने और एक USB 3.0 normal एक ही port दिया है। So मेरे हिसाब से usually बहुत सारे लोगों की requirement यहाँ पे ज़्यादा होती है, जो यहाँ उनको देना चाहिए था दो 3.0 USB ports। कमिंग टू द सेकेंड थिंग, इधर 120mm के फैन या 240 या 280 का ही रेडिएटर फ्रंट में लग सकता है। 120 रेडिएटर समझो अगर ऊपर लगाना है तो 120 ही लगा सकते हैं, बिकॉज एग्जॉस्ट 120 जितना स्पेस पे ही दिया है। द सेकेंडली 240, 280 के रेडिएटर्स आगे लगेंगे। इसका एक माइनस पॉइंट इंटरनली ऐसा है कि यहाँ पे एक स्ट्रिप आ गई है, यहाँ पे हम 240, 280 रैट के AIO भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके फैन फ्रंट फेसिंग ही आएंगे। कभी कभार हम चेंज करते हैं कि बैक साइड भी दो फैंस लगा सकते हैं फॉर यू नो टू चेंज द वे ऑफ एयर फ्लो, बट यहाँ पे नहीं लगेंगे, यहाँ पे आगे ही लगेंगे। पीछे का ऑप्शन NZXT वालों ने दिया ही नहीं, क्योंकि एक प्लेटिंग आ गई है यहाँ पे, इधर देख सकते हो जैसा वीडियो में। द रेस्ट इज नॉर्मल PSU श्राउड है। सो आते हैं उसके दूसरे साइड, यहाँ पे दिया है हार्ड डिस्क का पैनल, फिर भी एक ट्रे नहीं है। द रेस्ट इज फाइन, केबलिंग के मैनेजमेंट के ऑप्शन दिए हैं, दो SSD ट्रे दिया है उन्होंने टू फिक्स इट द बैक साइड, एक PSU श्राउड दिया है, लेकिन नॉट क्लियरली अ श्राउड बट स्टिल गुड स्पेस फॉर इट, वो एक सब कॉमन हो गया है अभी सब कैबिनेट में आई गेस। सो फाइनली आप क्या सोचते हो ये कैबिनेट के बारे में, और मेरे से कोई रिव्यू छूट गया है, मेरे को और इन डेप्थ करना चाहिए था, प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग, और नेक्स्ट चीज में, नेक्स्ट अनबॉक्सिंग में या नेक्स्ट वीडियो में मैं वो ध्यान रखूंगा। सो फाइनली आते हैं NZXT के व्हाइट AIO X63 पर, ये इसको अनबॉक्स करेंगे हम, इसके अंदर क्या कॉन्टेंट्स है मैं आपको बताऊंगा, और ये मेनली कैसा दिखता है वो देखेंगे। एज यूजुअल आप देख सकते हैं व्हाइट फैंस NZXT के रेडिएटर पर लगने के लिए, इसके फिटिंग सब AM4 इंटेल सबके लिए, द रिक्वायर्ड केबल्स, मेन चीज तो अभी आएगी बाहर।
गाइस फाइनली जैसा कि आप देख सकते हैं एल्जर XT का AIO White, इट्स अ कंप्लीट रेडिएटर। हम इसको अभी फिलहाल टेस्टिंग नहीं करेंगे, अभी बिल्ड नहीं बनाएंगे। मेरे पास एक बिल्ड आने में है अपकमिंग वीडियो में, वो वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एल्जर XT का White AIO कैसा है। टिल देन आप इसका लुक देख सकते हो कि कैसा है। सिर्फ इसमें एक नेगेटिव फीडबैक मैं आपको देना चाहता हूँ कि इनका ये जो क्लिप है इन्होंने अभी तक ब्लैक ही रखा है। आई डोंट नो वाई, लाइक ये थोड़ा इसका कॉन्ट्रास्ट जो है ना, ये दिखेंगे आपको, ये वाइट से कॉन्ट्रास्ट होगा ब्लैक पर, लाइक उसका एक फ्लॉ है, बट ठीक है, उतना मैनेजेबल है कि लेट गो भी हो सकता है, इतना कोई बड़ा बात नहीं है। सो गाइज फाइनली वी एंड दिस वीडियो हियर, आई होप यू गाइज लाइक डेट। मेरे को इसके रिव्यू मतलब जो मेरे से छूटा हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करो, बेल आइकन दबा के रखो अपडेट्स के लिए। ऐसे बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोज आएंगे, टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई भी काइंड ऑफ बिल्ड्स और देखना है, मेरे यूट्यूब चैनल में अभी वीडियोस नहीं है, लेकिन हाँ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे बहुत सारे बिल्ड्स के मैंने फोटो डाले हैं। मैंने यूट्यूब फैम में बहुत लेट आया हूँ, बट इट्स नेवर टू लेट स्टिल। बट आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हैं, मेरा काम देख सकते हैं, वी आर डिलीवरिंग ऑल ओवर इंडिया। टिल देन अगर आपको कुछ इंक्वायरी है यू कैन ईमेल अस, मैंने डिटेल्स नीचे रखे हैं। ओके, टेक केयर, बाय। Oh,